हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो सभी को सबसे पहले जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि 7 सितंबर को और 6 सितंबर को, मैं भी अभी कंफ्यूज हूँ कि 6 की जन्माष्टमी है 7 की। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 6 की जन्माष्टमी है कि 7 की जन्माष्टमी है। तो उसी के हिसाब से फिर मेरी भी तैयारी होने वाली है। फिर भी मैं 6 की जन्माष्टमी सोच के चल रही हूँ कि 6 की जन्माष्टमी है, क्योंकि मथुरा में शायद 6 को मनाए जा रहे हैं हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन। तो मैं उसी तरह से अपनी तैयारी कर रही हूँ। और उससे पहले मैंने थोड़ी सी कुछ अपनी शॉपिंग की है, थोड़ी सी मैं तैयारी की है अपने ठाकुर जी राधा रानी के लिए। किस प्रकार की ज्वेलरी खरीदी है तो उसकी एक एक मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने क्या क्या शॉपिंग की है अपने ठाकुर जी राधा रानी के लिए, इवन लड्डू गोपाल जी के लिए, केशु बाबू के लिए। तो उसी की थोड़ी सी आपको मैं वीडियो बना के मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ जन्माष्टमी की क्या क्या तैयारी की है। तो टाइम बहुत कम है और समय भी बहुत कम है, उसके बीच में वीडियो भी बनाना और प्रभु की तैयारी भी करनी है और शॉपिंग भी करनी है, तो बहुत टाइम कम है। अब तो वैसे भी 2 ही दिन रह गए हैं तो वीडियो भी बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि आप वीडियो बना के हमें दिखाइए ड्रेस कैसे तैयार की कैसे नहीं। तो ड्रेस की भी मैं एक बार कोशिश करूंगी वीडियो बना के आप लोगों को ड्रेस की ड्रेस भी दिखा पाऊँ मैं उनकी ड्रेस कैसे तैयार की है। तो अभी मैंने जो ज्वेलरी की शॉपिंग की है अपने दोनों ठाकुर जी राधा रानी के लिए, तो उसके मैं आपको एक क्लिप थोड़ी सी वीडियो दिखा देती हूँ क्या क्या शॉपिंग की है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉन्ग हार दिखाती हूँ जो मैंने अपने ठाकुर जी राधा रानी दोनों के लिए लॉन्ग हार लिया है। तो देखिए ये है एक लॉन्ग हार, मैंने नीचे एक बेस रखा है जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आए इसलिए। और ये है एक लॉन्ग हार, तो मैंने अपने ये राधा रानी के लिए लिया है लॉन्ग हार। और इसी के साथ ये मैंने लिया है अपने ठाकुर जी के लिए, बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लॉन्ग हार है, बहुत सुंदर है। और इवन ये कह लीजिए कि इस पे जो एक तरह गोल्ड का पैटर्न है, बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल आर्टिफिशियल जैसे हम पहनते हैं, बिल्कुल ना ज़्यादा डार्क कलर है ना ज़्यादा लाइट कलर है। और बहुत सुंदर इस पे एक कहते हैं कुंदन की तरह इसका काम लग रहा है बीच में गोल्ड में, और बहुत सफाई से काम किया हुआ है। मैं आप लोगों को एक पीस खोल के दिखाती हूँ। देखिए ये कितना सुंदर इसका जो पैंडल है, बहुत सुंदर पैंडल है। मुझे ये बहुत से मुझे एक तरह के 2 पीस नहीं मिल पाए, वो इसीलिए 2 पीस नहीं मिल पाए क्योंकि एक एक पीस होता है सब ले जाते हैं, तो एक ही पीस का फिर भी मैंने मिलता जुलता ये दोनों पीस लिए हैं। इसमें सिर्फ ये अंदर का चोकर भी दिया हुआ है, बस इसमें यही एक एक्स्ट्रा चीज़ है, बाकी सब थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम है। पर ये वाला पीस मुझे बहुत सुंदर लगा अभी के लिए, तो मैंने ये राधा रानी के लिए सोच के ये वाला पीस लिया है कि अपनी राधा रानी को पहनाऊंगी। बाकी देखते हैं राधा रानी को पहनना है ठाकुर जी को पहनना है जो भी पहनेंगे। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा। और कहते ना जो मेरा थोड़ा सा ड्रेस का कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डिज़ाइन मतलब कॉम्बिनेशन भी है, तो वो कहीं ना कहीं ये मैच हो रहा है ड्रेस के साथ। बाकी देखते हैं जब श्रृंगार किया जाएगा तो कैसा उन पे लगेगा, तो उसी हिसाब से ही श्रृंगार जब होता है तभी पता चलता है कि ये सेट अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो उसी हिसाब से उनको तैयार किया जाएगा। तो इसके साथ ये कान के दिए गए हैं और बीच में ये पैंडल है, देखिए यहाँ पे एक चोकर की तरह अलग से एक डिज़ाइन बना हुआ है। मुझे ये बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर लगा था जिसके कारण मैंने ये पीस लिया है। और इसके साथ ये वाला एक पीस है और ये भी बहुत सुंदर पीस है, मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत है, दोनों ही चीज़ बहुत सुंदर है। ये इसका पैंडल देखिए कितना सुंदर है, जैसे हम लोग पहनते हैं ना सेम वैसा ही है। और इसके साथ ये भी देखिए पैंडल कितना सुंदर है। और इसकी ये जो मतलब डिज़ाइन किया गया है बहुत बारीकी का काम है, बहुत सुंदर है। हाँ अगर आप कॉस्ट वाइज जाएंगे तो मैं आपको कॉस्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सब लोग फिर यही बोलेंगे कि इतना महंगा हमारे बजट में नहीं है या फिर हम नहीं ले सकते या फिर बहुत सस्ता है, कुछ भी कह लीजिए। तो कॉस्ट मैं क्योंकि वैसे भी ये मैंने कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की है, यह मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही शॉपिंग की है। तो सब लोग फिर पूछते हैं कि आपने ये ज्वेलरी कहाँ से ली है, कहाँ से नहीं खरीदी, तो हमें भी बताइए। तो मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही ये ज्वेलरी ली है। तो इसी के साथ ये इयररिंग्स भी हैं इसके, इसके साथ मुझे मांगटीका भी नहीं मिला है, पर ये पीस सबसे ज्यादा सुंदर यही पीस था, पर इसमें ही मतलब इन्होंने भी पीस बनाया, बहुत कंजूसी से पीस बनाया, ना मांगटीका मिला मुझे इसमें।
पर इसके साथ मुझे मांग टीका है, देखिए ये मुझे मांग टीका मिला है, ये मांग टीका है और ये इयर रिंग्स है इसके, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत इयर रिंग्स है कि देखिए पीछे बिल्कुल गोल्ड की तरह पेच दिए हुए हैं, और ये देखिए कितना सुंदर है। ये पीस वैसा है जैसे हम लोग पहनते हैं, तो मैंने अपने ठाकुर जी और राधा रानी के लिए ये पीस लिया है, बहुत सुंदर पीस है। मतलब मेरा तो मन इसको एक बार ले देख के ही लेने का मन कर लिया था, और मैंने ये सोच के नहीं लिया था ड्रेस पे चलेगा नहीं चलेगा, मैंने कहा किसी और ड्रेस के साथ मैच हो जाएगा, तो उसी हिसाब से मैंने ये सोच के ले लिया था पीस। तो बाकी देखते हैं अभी जब ठाकुर जी का श्रृंगार होगा तो किस हिसाब से उनका श्रृंगार होता है, तो वो उनसे कैसा लगता है। तो आप लोगों को ये सेट कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। तो इसके साथ मैंने अपने राधा रानी के अलग से एक चोकर भी लिए हैं, वो चोकर भी आपको दिखाती हूँ, और ठाकुर जी के लिए भी मैंने एक अलग से चोकर लिया है। क्योंकि मैं जब भी कहती ना शॉपिंग करती हूँ तो दोनों के लिए सेम चीज़ लेने की कोशिश करती हूँ, पर सेम अगर नहीं मिल पाता है तो फिर होता है कि हाँ ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट ली जाए, तो सेम लेने की कोशिश करती हूँ, सेम कभी कभी नहीं मिल पाता, जैसे अब ये सेट सेम नहीं मिला मुझे, तो सेम फिर थोड़ा सा मिलता जुलता पीस मैं कोशिश करती हूँ कि मिलता जुलता कभी मिल जाए, तो अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं वैसे तो मैं छोड़ देती हूँ, पर कभी कभी फिर लेना पड़ता है जब नहीं कुछ पसंद आता मार्केट में, जैसे अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो बहुत भीड़ हो रही है तो मिलना मुश्किल हो पा रहा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मैंने लिया है चोकर, तो ये मेरे कलर मेरे जो राधा रानी की ठाकुर जी की ड्रेस है उसके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो ये मैंने पीस लिया है चोकर में। इसके साथ देखिए ये इयर रिंग्स है और ये उसका गले का, बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत है ये सेट भी, बहुत प्यारा है। इसको चाहे तो आप कान में अपने ठाकुर जी राधा रानी के कानों में लगा सकते हो, हाथों की रिंग्स पे लगा सकते हो इस तरह, क्योंकि सेट के साथ क्या होता है ये चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, अलग से नहीं लेनी पड़ती हैं, तो मैं कभी कभी उनके रिंग्स पे लगा देती हूँ, उनके पगड़ी में भी यूज़ कर लेती हूँ और ठाकुर जी के हाथों में भी रिंग्स की तरह भी यूज़ कर देती हूँ। बस इसमें भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, इसमें ये थोड़ा बड़ा है इसमें थोड़ा छोटा है, तो यही फ़र्क है इसमें और बाकी कुछ नहीं है। इसमें बस कान के आगे नहीं बने हुए, इसके आगे ये लटकन बनी हुई है, तो ये मैं राधा रानी को पहना सकती हूँ या अपने ठाकुर जी को पहना सकती हूँ। तो इस प्रकार देखिए ये बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत सा सेट है, बहुत प्यारा सेट है, ये मैं राधा रानी के चोकर में उनके कमरबंद में किसी में भी पहना सकते हैं, बाकी जब श्रृंगार होगा देखते हैं कैसा श्रृंगार हमारे ठाकुर जी राधा रानी कराते हैं। इसी के साथ मैंने एक लॉन्ग हार और लिया है, कहते हैं ना अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी पड़ती है, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान खरीद लिया है, बाकी जो भी अच्छा लगेगा जन्माष्टमी पे तो मैं अपने ठाकुर जी राधा रानी को वैसे ही पहनाने वाली हूँ। ये देखिए भाई ये कुंदन का सेट है जो मुझे पीस बहुत सुंदर लगा था, स्पेशली ये मैंने वैसे अपने ठाकुर जी के लिए राधा रानी के जन्माष्टमी के लिए ही लिया है, बाकी देखते हैं क्योंकि जन्माष्टमी का फेस्टिवल सबसे खूबसूरत फेस्टिवल होता है, सबसे प्यारा फेस्टिवल है, बाकी सब फेस्टिवल इन सब के सामने फीके हैं। तो ये सेट है, ये मुझे बहुत सुंदर, ये बिल्कुल कुंदन का काम किया हुआ है इस पर, तो और ये थोड़ा सा मल्टी कलर में आगे स्टोन लगे हुए हैं, और इसके साथ मांग टीका और इयर रिंग्स भी है। तो देखिए ये झुमके झुमका नहीं होता जैसे वैसा है, बहुत प्यारा है और झुमका है बिल्कुल, तो राधा रानी के अगर आप कानों में उनके साइड में जैसे हम टीका लगाते हैं ना साइड टीका, वैसे भी लगा सकते हैं। और ये झुमका इसके साथ मुझे मांग टीका नहीं दिया है, उन्होंने मिस कर दिया है मांग टीका, तो अब मार्केट जाना नहीं पॉसिबल है कि मैं उनको जाके बोल के आऊँ, तो देखते हैं अब ऐसे ही काम चलता है। देखिए एक ये निकल भी गया है। इसी के साथ मैंने एक और इसी के साथ का एक और सेट लिया है, वो दिखाती हूँ। ये भी कुंदन में बना हुआ, प्रॉपर कुंदन में और थोड़ा सा शीशे का काम किया हुआ है, मुझे अपने ड्रेस के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही चाहिए था कि थोड़ा सा उस पर ये शीशे का काम किया हो, मिरर का जैसे काम होता है, और इसको मैं थोड़ा सा इधर करके आपको दिखाती हूँ। देख
मुझे ये भी पीस सेम नहीं मिला बिल्कुल, मैं ये वाला पीस बिल्कुल सेम में चाह रही थी, क्योंकि जो मेरी ड्रेस है वो इस कलर में, रानी कलर में है, तो ये सेम पीस नहीं मिला। हार के मुझे ये थोड़ा सा मल्टी में लेना पड़ा। और इसके साथ भी इयररिंग्स है और माथा पट्टी है, ये हमारा टीका, और देखिए इसके साथ उन्होंने मिस कर दिया। और ये झुमके देखो कितने सुंदर, कितने प्यारे झुमके हैं, और ये हमारे झुमके। तो ये सेट मैंने स्पेशली राधाअष्टमी के लिए, राधाअष्टमी सॉरी, ठाकुर जी की जन्माष्टमी के लिए ही लिया है। अगर ठीक लगा तो कोई बात नहीं, मेरे मुंह से निकल गया है तो शायद राधाअष्टमी पे भी पहना सकती हूँ। तो ये मैंने शॉपिंग की है जन्माष्टमी के लिए। तो अभी एक लॉन्ग हार दिखाया आपको, एक मैंने ये दिखा दिया, एक चोकर दिखाया। अब इनमें से कौन सा हमारे ठाकुर जी राधा रानी पहनते हैं वो तो अब समय ही बताएगा। तो आप सबको ये दोनों हार में से कौन सा हार अच्छा लगा है और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा, स्पेशली ये वाला हार मुझे बहुत खूबसूरत लगा है, क्योंकि इसमें एक सिंगल कलर है, मुझे सिंगल कलर ज़्यादा पसंद आता है बाकी सब कलर्स के साथ, मल्टी कलर के अलावा मुझे सिंगल कलर में, मतलब ज्वेलरी हो गई, ड्रेस हो गई, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। पर मैंने इस बार थोड़ा सा तीन कलर की ड्रेस बनाई है, तो ये ठाकुर जी के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा, तो उसी के हिसाब से ये मैंने सेट ले लिया था कुंदन का। बहुत खूबसूरत सेट है, बहुत प्यारा है, आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं अब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, मैंने एक और लिया था, हाँ देखिए ये लिया एक मैंने, और इसी के साथ एक ये मैंने ली है जूड़ा मनी, और एक ये है जूड़ा मनी, और तो ये मैंने लिया है अपने राधा रानी के लिए, क्योंकि ये भी मैंने राधा रानी के लिए लिया, और ये भी मैंने राधा रानी के लिए लिया, ये भी मैंने राधा रानी के लिए लिया। वो इसलिए क्योंकि राधा रानी का जब हेयर स्टाइल किया जाएगा तो हेयर स्टाइल में कुछ कुछ चीज़ें उनके यूज़ होती हैं, तो फिर कैसे यूज़ होगी कैसे नहीं, तो वो तो चलो हम जब श्रृंगार करने बैठेंगे तभी समझ में आता है। तो मैंने ये जूड़ा मनी और ये मैंने सिर्फ राधा रानी के जूड़े में, या फिर कहते चोटी लगाएंगे, जब कुछ भी हम यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से ये मैंने चीज़ ली है। तो ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैसा कैसा है ये सेट। इसके साथ इयररिंग्स भी है, क्योंकि ये नेकलेस है तो इसलिए ये इयररिंग्स है, पर मैं ये राधा रानी के एक तरह चंद्रिका के रूप में, मतलब उनके पीछे यूज़ करने वाली हूँ। बहुत सुंदर है ये चीज़ भी, मेरा कब से मन था इसको लेने का, तो फिर इस बार मैं लेके आई हूँ इनको जन्माष्टमी पे लगाने के लिए। तो देखिए ये राधा रानी के सिर पे जब लगेगा बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसी इसके साथ ये इयररिंग्स भी है और मांग टीका भी है। ये चीज़ें तो इतनी एक्स्ट्रा हो जाती है ना कि आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो कान के होते हैं, क्योंकि दो दो तीन तीन नेकलेस हो जाते हैं, तो आप इसको एक्स्ट्रा कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मांग टीका है और ये इयररिंग्स है, इसको आप एक्स्ट्रा कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और ये है तो हमारी जूड़ा मनी, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं जूड़े में लगाने के लिए, तो देखते हैं अब ये राधा रानी कैसे यूज़ करती है, जूड़े में यूज़ करेगी या हमारी कह लीजिए उसमें यूज़ करेगी चोटी में। तो ये है जूड़ा मनी, इसके साथ एक ये सेम जूड़ा, सेम कलर सेम है, थोड़ा सा इसकी पैकिंग उल्टी हो रखी है, फिर भी खोल के दिखा देती हूँ। ये सेम है, मैंने दो लिए है, क्योंकि तो कई बार अगर हम जूड़ा कर रहे हैं तो एक ही यूज़ हो जाएगी, और अगर हम चोटी लगा रहे हैं तो बड़े, इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो आराम से फिर ये चोटी में दो दो में कवर हो जाएगी चोटी, तो मैंने उसी हिसाब से ये दो चूड़ा मनी लिया, क्योंकि ज़्यादा बड़े हमारे ठाकुर जी नहीं हैं ना राधा रानी हमारे ज़्यादा बड़े हैं, तो जब हम उनका श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार में उसी हिसाब से श्रृंगार भी लेना चाहिए ना कि उन पर अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने उसी हिसाब से श्रृंगार लिया है। और अब इसके साथ मैंने अपने ठाकुर जी के लिए एक स्पेशल जो चीज़ ली है, वैसे तो मेरा इस बार मन था कि मैं ऑर्डर पे ही बनवाऊँ, मतलब मैं ठाकुर जी के ऑर्डर पे बांसुरी बनवाना चाहती थी,
जो कि नहीं हो पाया पॉसिबल, पर कोशिश करेंगे कि राधा अष्टमी पे अगर मुझे वो चीज़ मिल पाई तो मैं ज़रूर बनवाऊंगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने दो बांसुरी ली है, एक बांसुरी ये ली है मैंने अपने ठाकुर जी के लिए, बहुत सुंदर है ये बांसुरी भी, देखिए इस पे मोर बना हुआ है और बिल्कुल ड्रेस के साथ मैच हो रही है, बहुत खूबसूरत बांसुरी है। मैं हर साल इनकी बांसुरी चेंज करती हूँ और एक साल तक वही बांसुरी चलाती हूँ, तो हर साल बांसुरी, जबकि बांसुरी इतनी महंगी नहीं आती है, फिर भी मैं उनको बांसुरी ही भेंट करती हूँ। मैं इसके अलावा मैं उनको गिफ्ट में और कुछ नहीं देती। एक बांसुरी मैंने ये ली है, ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ली है। तो ये बांसुरी मुझे इस डिज़ाइन में बड़ी नहीं मिल पाई, छोटे साइज की ही मिली है, पर कोई बात नहीं, शायद लड्डू जी को ये लेनी थी। ये भी बहुत सुंदर है, देखिए बांसुरी बहुत प्यारी है बांसुरी। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, इस मेरे ठाकुर जी राधा रानी का ये श्रृंगार कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सबको, मुझे भी इंतज़ार रहता है आप सबको ये ज्वेलरी कैसे लगी, कौन सा चोकर हार पसंद आया, बड़ा हार पसंद आया, लॉन्ग हार पसंद आया, बांसुरी कैसी लगी मेरे ठाकुर जी राधा रानी की। और ये भी बताइएगा आप सबकी तेज जन्माष्टमी की तैयारी कैसे चल रही है, मुझे आप सबके कमेंट का और वीडियोस का इंतज़ार रहेगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में ठाकुर जी के श्री चरणों में, मेरी राधा रानी के श्री चरणों में राधे राधे जी की हाजिरी भी जरूर लगाइएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाली मैंने लड्डू गोपाल जी के, बाल गोपाल जी के लिए क्या शॉपिंग की है, और अपने ठाकुर जी राधा रानी लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस कैसे तैयार की है। नेक्स्ट वीडियो आपको वही कल तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, साथ में आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।